हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब? तो आप जैसा कि देख रहे हो, ये सामने मेरे सामने विटामिन ई कैप्सूल्स रखे हुए हैं, और ये जो है आपका मार्केट में इवियन नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। तो मैं ये वीडियो क्यों लाई हूँ, बिकॉज़ ये जो विटामिन है ई है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ना सिर्फ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, ब्यूटी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हो, और साथ में इसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो विटामिन ई होता है, इसे टोकोफेरॉल के नाम से भी हम जानते हैं, और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ई जो होता है, इसमें टोकोफेरॉल एसीटेट पाया जाता है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, इंटरैक्शन, प्राइसेस एट्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये आपका मैकेनिज्म क्या होता है विटामिन ई का? तो ये विटामिन ई जो होता है, ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो हमारी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, उसका उसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके डिटोरिएशन से प्रिवेंट करता है, सेल मेम्ब्रेन के डिटोरिएशन से। और ये सेल मेम्ब्रेन का परोक्सीडेशन भी रोकता है। इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, बिकॉज सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो ब्यूटी विटामिन की, कि इसे ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं। तो बिकॉज़ इसे मोस्टली आप देखोगे कि जो पार्लर्स होते हैं, उसमें आपकी जो मसाज क्रीम्स होती हैं, उसमें मिक्स करके आपके फेस पे लगाते हैं। तो ये वहाँ वर्क कैसे करता है? ये वर्क ऐसे करता है कि जो आपकी जो स्किन होती है, उसके जो सेल्स होते हैं, उनको रिपेयर करता है और उनकी हीलिंग को प्रमोट करता है। इसलिए ज़्यादातर जो विटामिन ई के यूजेस होते हैं, वो बेसिकली क्यों किए जाते हैं, जो यंग जनरेशन है या और भी जो लोग हैं, लेडीज़ हैं, ये इसे फेस को ग्लो करने के लिए यूज़ करती हैं। बहुत सारे लोशंस होते हैं, आपकी क्रीम्स होती हैं, उनमें ये मिक्स करके आपका फेस पे अप्लाई किया जाता है। तो ये जो आपका जो ये ब्यूटी विटामिन है, ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपकी झुर्रियाँ और रिंकल्स को आने से प्रिवेंट करता है, डार्क सर्कल पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके चेहरे पे अगर दाग मुहासे हैं तो उनसे भी आपको ये बचाता है। हाँ, अगर आप बात करें कि स्किन वाइट करता है या स्किन वाइटनिंग में को करता है, तो ऐसा नहीं है, ये स्किन वाइटनिंग नहीं करता, लेकिन हाँ, स्किन को रिपेयर करता है, झुर्रियाँ, रिंकल्स, इन सब के लिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो हेयर के लिए है। ये आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसके अराउंड जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, उसको इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल को लेस करता है और आपका जो हेयर थिकनिंग जो प्रोसेस होता है उसको करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ हो गए आपका। और नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो नेल्स भी है, नेल्स को डैमेज करने से ये प्रिवेंट करता है। इसके जो और मेडिकल यूजेस हैं, वो इस प्रकार हैं कि ये जो हार्ट होता है, आपका हार्ट होता है, वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप देखते होंगे जब भी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि उनमें कैल्शियम जमा होने लगता है या अलग सॉल्ट जमा होने लगते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करता है कि आपका जो ब्लॉकेज होता है, जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है, उस ब्लॉकेज से प्रिवेंट करता है। और उस ब्लॉकेज के कारण ही जो MI, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा आपको बढ़ जाता है, तो ये उन सब से प्रिवेंट करता है। और साथ में जब भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स को हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये उन सब से प्रिवेंट करता है, यानी कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका तो ये हार्ट पे रोल हो गया कि ये हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनको जो रेडिकल्स का खतरा है उससे आपको बचाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जर्माइनल एपिथीलियम को मेंटेन करता है, और जो मेल फीमेल स्टैमिना है उसको इंक्रीज करने के काम आता है। उसके अलावा ये मायोपैथी में इसका बहुत यूज़ है, जो आपको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मसल क्रैम्प्स हो गए, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो गया, चलने में दिक्कत है, ऐंठन है बहुत ज़्यादा मसल्स में, तो ये उन सब में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, उन सबको कम करता है। कैंसर के पेशेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। बच्चों में जो रेटाइनल इंजरी होती है, आँखों में जो रेटिना नाम की जो लेयर होती है, ठीक है, उसकी इंजरी से प्रिवेंट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि जो इम्यूनिटी होती है उसको इंक्रीज करता है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी बॉडी की, इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने के लिए, उनसे
उसमें मदद करता है, आपका अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है उसकी ज़्यादा इफेक्ट। तो ये जो आपका इवियॉन है ये 200, 400, 600 mg में आपका मार्केट में अवेलेबल होता है। और डोज करें आपका 100 ले रहे हो तो इसे ओडी यानी वंस अ डे, ठीक है, ऐसे लेना है और मील्स के बाद लेना है। तो मेल की बात करें तो कितना उनको ज़रूरत होती है, तो 8 mg per day और फीमेल को 10 mg per day। अगर कितने दिन तक बात करें तो 2 से 3 months तक आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि 6 months या 1 year तक लेने के लिए, तो उसमें खतरा हो जाता है आपका साइड इफ़ेक्ट्स होने का, तो इससे हमें बचना चाहिए और आपको इसकी जो इनटेक है उसको लिमिट में रखना चाहिए। वैसे तो इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है, लेकिन जो कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ब्रेन से संबंधित होती भी है अगर टॉक्सिसिटी होती है तो। एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं इससे, जैसे कि रैशेस होने लगते हैं बॉडी पे, लिप थ्रोट या नेक की स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करें तो जो लोग ब्लड पतला करने की दवाई या ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या वॉरफेरिन चल रही है जिनमें पेशेंट्स में, तो उनको ये नहीं लेना चाहिए। और कुछ न्यूरल डिसऑर्डर्स हैं, उन केसेस में भी जो नर्व से रिलेटेड डिजीज़ हैं, आपके न्यूरल डिजीज़ हैं, उनमें भी आपको ये डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो थी आपकी विटामिन ई कैप्सूल्स की बात। और जो मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि कुछ लोगों का रहता है कि क्या ये हेयर फॉल आपका कम करती है, जी हाँ बिल्कुल कम करती है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देती है फॉलिकल्स के अराउंड और ये उसमें कमी लाती है। साथ में स्ट्रेच मार्क जो डिलीवरी के बाद पड़ जाते हैं ये अगर आप उस पर अप्लाई करते हो तो ये उस पर भी इफ़ेक्टिव होती है, उससे आपका स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं कमी आती है उनमें। तो फ्रेंड्स ये सारे तो इसके यूज़ हो गए आपके, जो आपका ब्यूटी से रिलेटेड हो गए क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये आपका सोर्सेज हैं नेचुरल, अगर हम घर पे ही खाने के थ्रू इसको अपना विटामिन ई लेना चाहें तो वो कौन से सोर्सेज हैं, तो फ्रेंड्स ये एलमंड्स में मिलता है आपका, एप्रिकॉट में यानी कि बादाम में मिलता है, पपीते में मिलता है, अनार में मिलता है, जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं सूरजमुखी के सीड्स होते हैं ये उनमें मिलता है, नट्स में मिलता है, कीवी जो फ्रूट आता है उसमें मिलता है, ऑलिव्स एंड ऑलिव ऑयल में मिलता है, स्पिनच में मिलता है आपका, मैंगो में मिलता है, एवोकाडो में मिलता है, पम्पकिन में मिलता है और ब्रोकली में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके नेचुरल सोर्सेस की बात। तो देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है विटामिन ई का और इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए या नेचुरल सोर्सेस के थ्रू ही हमें इसको लेते रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।